उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का जरा सा भी भय नहीं है। और यह भय हो भी कैसे जब पुलिस प्रशासन का हाथ ही दबंगों के सर पर हो। पूरा मामला ग्राम पपियापुर का है, जिसमें साधना साख की पत्नी ब्रिजेश साखे जो कि कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं, साधना के पड़ोसी आकाश से साधना के दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ है। ब्रिजेश साखे ड्यूटी पर रहते हैं, जबकि साधना साख के बाद दो बच्चे घर में अकेले रहते हैं। साधना साख ने जब बाइक को खड़ा करने से रोका तो आकाश और उसके परिजन गंदी गंदी गालियां देते हुए घर में घुस गए और साधना साख को मारा पीटा। आइए सुनते हैं पीड़िता का आरोप। आपका साधना साख कहाँ रहते हो? पपियापुर। क्या समस्या आपके साथ है? समस्या ये है भैया, ये छेड़खानी, वो आकाश है साख के और उनके बहनोई है, वे छेड़खानी करते हैं और गालियां देते हैं गंदी गंदी। और उनके घर वाले आए के गाली आए के हमें समझने और मारपीट करने लगे लात घूसों से। ये कब की घटना है? पहली तारीख की। तब से लेकर अभी तक आपने शिकायत नहीं की? सुनवाई ही नहीं हुई। डीएम के साथ गए, डीएम साहब तीर गए हैं। और यस कहाँ कहाँ आप अपनी शिकायत को लेकर कहाँ कहाँ गई हो? हम सब जगह गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम के साथ गए, एसपी तीर गए हैं, थाने कुतवाली गए हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है? कोई सुनवाई नहीं की जा रही। क्या क्या और क्या घटनाएं हुई आपके साथ में? मामला क्या था? मेरे गेट के सामने मोटरसाइकिल ठाड़ी करते हैं, रोड डेली ठाड़ी करते हैं। मैंने कहा हमने अपने दरवाजे ठाड़ी करो, मेरे यहाँ मत ठाड़ी करो, तुम मुझे निकलने बैठने में दिक्कत होती है। मैंने कहा तुम मुझे आकर गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, गालियाँ दी और कह रहे हैं कि सारी जो कुछ कर पाए कर ले, मैं यहीं ठाड़ी करूँगा। उसने ये कहा पुलिस मेरी मुट्ठी में, तुम कर पाए तो कर ले। जब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी और मेरी हो गई समाज में बहुत बेइज्जती। पीड़िता के अनुसार पूरे प्रकरण को लेकर जब महिला चौकी पहुंची, प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब महिला साधना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने गई तो यहाँ भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। आगे महिला ने जिला पुलिस कप्तान के पास प्रार्थना पत्र दिया है, जहाँ पुलिस कप्तान अशोक कुमार मीणा ने तत्काल प्रभाव से जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। आगे मामले में महिला का आरोप है कि फरुखाबाद कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला ने महिला को थाने में बुलाया, वह दोनों पक्षों को समझौता कराने पर जोर दबाव देने लगे। आगे महिला भयभीत है, उसका कहना है कि उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है। महिला मामले में न्याय चाहती है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24।